हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज अपना अगला टॉपिक है लोक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य प्रणालियाँ, सीमाएं, खाद्य सुरक्षा, बंपर स्टाफ से संबंधित मुद्दे, पीडीएस बोलते हैं इसको, लोक वितरण प्रणाली। अपना अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक है, इकोनॉमी का, और मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज अपन? मध्य प्रदेश शेयर बाजार की स्थिति पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार देश का तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1919 में हुई। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा 1988 में स्थायी स्वीकृति प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में लगभग 185 ब्रोकर मेंबर है। लगभग 315 कंपनियां, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कॉरपोरेट कंपनी इसमें लिस्टेड है। इसके द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज देश का ऐसा पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो इसके सदस्यों के लिए ट्रेडिंग की स्वतंत्रता प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका मुख्यालय इंदौर में है। यह मध्य प्रदेश का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसे सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के शेयर बाजार की स्थिति मैंने आपको बताई। अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 देखिए क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक मुक्त युगांतरवादकारी कदम है। अधिनियम का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने, खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण या अन्य माध्यमों से उपयुक्त व्यवस्था कराना है। देखिए यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार देता है। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 में आया, जिसके प्रावधान निम्नलिखित है। यह 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी जनसंख्या को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानून अधिकार देता है। सेकंड पॉइंट है, लाभार्थी को 1 माह से 5 किलो चावल, गेहूं व मोटे अनाज की आपूर्ति क्रमश 3-2-1 रुपये प्रति किलो, 3 रुपये 2 रुपये किलो प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। अधिनियम के अधीन प्राप्त परिवारों की पहचान राज्य सरकार करेगी। यह काम उसे 303 में करना होगा। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अधिनियम में आयु अनुसार समुचित भोजन की गारंटी दी गई, जिसे स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्थानीय आंगनबाड़ी से मुक्त भोजन दिया जाएगा तथा किस्तों में 6,000 रुपये का मातृत्व तो लाभ भी दिया जाएगा। जिन लोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने का हक दिया गया है, उन्हें खाद्यान्न न मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रशंसनीय कदम है। ठीक दोस्तों, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली लोक वितरण प्रणाली की समस्याएं, वैसे सुधार के लिए क्या सुझाव है? देखिए, राजकीय घाटे में वृद्धि, क्षेत्रीय विषमता जैसे पीटीएस दक्षिण भारत में अधिक प्रभावी है, वह इसका अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है। लक्षित लाभार्थी को रिसाव के कारण लाभ नहीं पहुंच पाता है, अधिक लाभ बिचौलिया ले जाते हैं जिससे प्रणाली प्रतिगामी हो गई। शहरी क्षेत्रों की ओर अधिक सूख चुकाव, शांताराम कमेटी के अनुसार आवंटन का 40% व्यापार से रिस जाता है। आधारभूत संरचना का पिछड़ापन जैसे स्टॉक जैसे सड़क परिवहन भंडारण क्षमता तकनीकी पिछड़ापन, लाभार्थी को न तो पर्याप्त मात्रा में नई गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्रदान की जाती है, रख रखाव अच्छा नहीं है। 1990 के दशक के बाद निकास मूल्य एवं बाजार मूल्य में अंतर कम होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न के उठाव में भारी गिरावट हुई। इस प्रकार यह स्वलक्षित होने से रह गया। प्रणाली में सफलता है तो क्या सुझाव दिए गए? देखिए, जो कुछ पॉइंट बनाए मैंने, मैं आपके सामने डिफाइन किए। योजना को कंप्यूटरीकृत किया जाए ताकि ई तकनीकों द्वारा प्रणाली को नियंत्रण में रखा जाए। समुदाय आधारित प्रबंधन किया जाए जिससे सहभागिता बढ़े। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियां गठित की जाए। शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई जाए। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को भी अपनाया जा सकता है। योजना में लाभ की स्थिति पहुँच सुनिश्चित की जाए तथा बिचौलों का अंत किया जाए। और एक पॉइंट अपना, खाद्यान्नों के साथ पोषक तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, जो पॉइंट मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ हर बार वीडियो लेक्चर में आपको मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो शानदार शानदार चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसकी कार्य प्रणाली व विशेषता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा नेटवर्क है। इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को उचित कीमतों व उचित समय पर सुनिश्चित करने तथा भारतीय जनता के पोषण स्तर में बनाए रखने के लिए इसे एक मुख्य उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। गरीबों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्नों को वितरण किए जाने की प्रणाली, जिससे उन्हें खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों के लिए बोझ से बचाया जा सके। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 5 वस्तुओं जैसे चावल, गेहूँ, चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी का तेल को क्रय करने तथा राज्यों तथा संघ राज्यों को उसकी आपूर्ति करने का दायित्व वहन करती है। सार्वजनिक प्रणाली में खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का काम मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है। इससे न केवल खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं
को नियंत्रण में रखा जाता है, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वस्तुओं के सामाजिक वितरण को भी सुनिश्चित करते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों के सामुदायिक रूप से संचालित किए जाते हैं। इससे संबंधित विषय समवर्ती सूची की प्रविष्ट नंबर 33 में रखे गए हैं। यह प्रणाली नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 47 में वर्णित विषय पोषण के अनुरूप चलाई जा रही है। देखिए दोस्तों, इसके उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके उद्देश्य अब बात करते हैं। उद्देश्य: निर्बल लोगों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, खराब फसल के दौरान मुनाफाखोरी व जमाखोरी को रोकना, बाजार में खाद्यान्नों की मांग व आपूर्ति का असंतुलन बनाए रखना, महंगाई को नियंत्रण में रखना, आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखना, किसानों को आय में स्थिरता प्रदान करना, बंपर स्टाफ के द्वारा देश में न्यूनतम भंडारण बनाए रखना, एक सक्रिय सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, देखिए इसका वितरण उचित मूल्य की दुकान में करते हैं जो सरकार के नियंत्रण में रखकर सामाजिक हित के लिए कार्य करती है। व्यापारियों की मुनाफाखोरी को रोकते हैं। इसके अंतर्गत केरोसिन, गेहूँ, चावल, शक्कर आदि सीमित वस्तुएं आती हैं। इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। यह योजना प्रणाली सामाजिक न्याय स्थापित करती है। समय समय पर इसकी समीक्षा एक सहकारी परिषद द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली क्या है, देखिए मैंने एक पहले ग्राफ एक चित्र के माध्यम से आपको डिफाइन की। देखिए किसान, FCL भारतीय खाद्य निगम, राज्य हो गया, पंचायती राज संस्थाओं में नगरीय निकाय में कैसे होता है, उचित मूल्य की दुकानें, हितग्राही और खाद्य सुरक्षा भारतीय खाद्य निगम, राज्य हितग्राही की सूची केंद्र सरकार को भेजना। देखिए आवश्यक वस्तुएं अन्य जो है, ठीक है। अगर आपको इसको डिफाइन करना चाहे तो देखिए इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम भंडारण का कार्य करती है। एफसीआई संस्थानों से समर्थन मूल्य व अनाज का मूल्य आवश्यक वस्तु खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम भंडारण बंपर स्टाफ रखे लेने के पश्चात राज्यों को आवंटित कर दिया जाता है। हितग्राहियों की सूची राज्यों द्वारा जारी की जाती है। यह आवंटित पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकाय तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा होते हैं। उचित मूल्य की दुकानों तक पहुँचा दिया जाता है, जहाँ से हितग्राहियों को इस कार्यक्रम में जुड़ी वस्तुओं का उचित मूल्य लेन देने पर संभव पता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना सार्वजनिक वितरण प्रणाली टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड सेबी की कार्य तथा संरचना क्या है, देखिए मैं आपको यही समझा दूंगा पूरा। सेबी भारतीय शेयर और पूंजी बाजार की नियंत्रक संस्था है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूंजी बाजार में निवेशकों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। सेबी का प्रबंध एक दिवसीय प्रबंधी निकाय द्वारा किया जाता है। सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित एक चेयरमैन, वित्त एवं कानून की जानकारी रखने वाले केंद्रीय मंत्रालय के 2 अधिकारी सदस्य के रूप में, रिजर्व बैंक का 1 अधिकारी सदस्य के रूप में, केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 अन्य सदस्य। देखिए कार्य है, स्टॉक एक्सचेंज तथा प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, प्रतिभूति बाजार को उचित माध्यमों से विकसित करना और विनियमित करना तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूतियों के अंदरूनी व्यापार पर इंसाइड ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाना, म्यूचुअल फंड के सामूहिक निवेश को योजनाओं को पंजीकृत करना, सभी प्रकार के स्टॉक ब्रोकरों, ट्रस्टियों या अन्य व्यवसायी बिचौलियों आदि को पंजीकृत करना तथा इनके कार्यों का विनियमन करना, प्रतिभूति बाजार से संबंधित व्यक्तियों संस्थाओं को प्रशिक्षित करना तथा निवेशकों की शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए सेबी की शक्तियां तथा कार्यों को अभिवृद्धि क्या है। सेबी संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना तथा लघु निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकती है। 14 अगस्त 2003 को सेबी द्वारा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक निगमों के माध्यम से धन जुटाने वाली कंपनियों के पास शुद्ध दृश्य परिसंपत्तियां कम से कम 3 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है। शेयर बाजार की मान्यता रद्द करने का अधिकार उपलब्ध वर्णन के अनुसार सेबी भारतीय शेयर व पूंजी बाजार में एक फायरवॉल की तरह कार्य कर रही है। ठीक दोस्तों, बफर स्टॉक की अवधारणा और खाद्य सुरक्षा। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों जैसे सूखा अकाल, फसल खराब की स्थिति आदि से संरक्षित करने तथा मूल्य के अचानक तथा तेज वृद्धि से सामान्य लोगों को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रखे जाने वाले गेहूँ तथा चावल के स्टॉक के अतिरिक्त एक स्टॉक सरकार रखती है जिसे बम्पर स्टॉक कहते हैं। देखिए परिभाषा हो चुकी है अपनी। आकस्मिक परिस्थितियों के से निपटने के लिए बम्पर स्टॉक से गेहूँ तथा चावल की आपूर्ति की जाती है, जिससे एक ओर उनकी पूर्ति की उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो और दूसरी ओर पूर्ति की कमी के कारण के मूल्य से वृद्धि न हो। 1 जनवरी 2012 को खाद्यान्नों का बम्पर स्टॉक 55.4 मिलियन टन था, जिसमें से चावल 29.7 मिलियन टन तथा गेहूं 25.7 मिलियन टन तथा, जबकि कुल आवश्यक न्यूनतम स्टॉक 25 मिलियन टन निर्धारित किया गया, जिसमें गेहूं का न्यूनतम बम्पर स्टॉक 11.2 मिलियन तथा टन तथा चावल का न्यूनतम बम्पर स्टॉक 13.8 मिलियन टन होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बम्पर स्टॉक कायम रखना तथा
एस तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों की खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति की जाए। इसके अलावा FCI सरकार के आदेश पर गेहूं तथा चावल को खुले बाजार में डालती है। 2009-10 में 16.28 लाख क्विंटल गेहूं तथा 4.94 क्विंटल चावल की आपूर्ति बाजार में की, इससे इनके बाजार मूल्य को नियंत्रित किया जा सका। ठीक दोस्तों, ये जो अपना टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।